जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मगध का उत्कर्ष। जैसे आपको मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म पढ़ाया, तो उसके बाद हम मगध के ऊपर आते हैं, मगध राज्य के ऊपर, जिसमें अलग अलग वंश आए, चाहे शुंग वंश की बात करें, नंद वंश की बात करें या हमारे मौर्य वंश की बात करें, तो ये अलग अलग वंश आए थे मगध के ऊपर। तो सबसे पहले जो मगध के ऊपर आए थे, का जो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ ने जो है मगध राज्य की जो है वो स्थापना यानी कि नींव रखी थी, और इनकी राजधानी गृहब्रज राजगृह थी। राजगृह जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। जिन्होंने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को 545 ईस्वी में पूर्व में गद्दी, मगध की गद्दी पर बैठा और 52 यानी कि 52 ईयर्स तक शासन किया था। तो देख सकते हैं आप हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो एग्जाम व्यू से मैं बताऊंगा तो ये थे बिंबिसार, जो कि 545 ईसा पूर्व बैठे थे मगध की गद्दी पर, और इन्होंने जो है वो जो 52 वर्षों तक जो है वो मगध पर जो है अपना शासन किया था। बिंबिसार राष्ट्र का राष्ट्रीय जो निर्माण कर उसे अपनी राजधानी भी बनाया बिंबिसार ने, और बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक जीवन का जो है वो उन्होंने उसका लाभ उठाया, यानी कि अपनी शादी करके अलग अलग प्रांतों में, ठीक है, उनकी राजकुमारियों से शादी की, और शादी करके क्या किया उसने कि भैया अपने हर जगह से रिश्तेदारी बढ़ा ली। तो उस वजह से उसने अपना, देखिए, वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। उसने कौशल नरेश के प्रसेनजीत की बहन से शादी की, ठीक है, वैशाली की चेतक की पुत्री से, चेलना से शादी की, ऐसे पंजाब की राजकुमारी शेम भद्रा से शादी की, और अपना जो साम्राज्य है वो और बढ़ा दिया। क्योंकि जितने हम, जैसे हम अपनी बात करें, अगर हमारी शादी होती है तो हमारे जो जहां पे होती है तो हमारे जो ससुराल वाले होते हैं यानी कि बॉयज की बात करते हैं, तो वो इलाका भी यानी कि वहां के जो लोग होते हैं वो हमारे नॉन हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी साइड शादी कर ले तो वहां के भी एरिया के लोग जो हैं वो भी हमें जानने लगेंगे। इस प्रकार से जो है उन्होंने अपनी प्रसिद्धि को आगे बढ़ा लिया, वैवाहिक जीवन का मतलब सहारा लिया था उन्होंने। तो इसी प्रकार से जो है मैं आगे चलता हूं, 493 ईस्वी में बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने जो है उसकी, बिंबिसार की जो है वो क्या कर दी, हत्या कर दी अजातशत्रु ने, और स्वयं गद्दी पर आकर बैठ गया। और उसने क्या किया, लिच्छवियों को पराजित किया और काशी और विज संघ को भी पराजित कर अपने ही मगध राज्य में मिला लिया, क्योंकि वो आगे मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, ठीक है। तो अजातशत्रु के ही शासनकाल में बौद्ध धर्म की पहली संगति, जैसे मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखिएगा, बौद्ध धर्म की चार संगतियां हुई हैं। तो इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म की पहली संगति जो है वो हुई थी अजातशत्रु के काल में, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को ही मानते थे और उनके उपदेशों को ही संकलित क्रिया करते थे। 461 में, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, तो अजातशत्रु की भी, उसके पुत्र नहीं है उदयन ने उसकी हत्या की, मगर उदयन को जो है पितृहंता शासक कहा गया, ठीक है। वैसे ये भी पितृहंता शासक था, मगर जो प्रसिद्धि मिली पितृहंता की, वो पितृहंता की उदयन को जो है वो प्रसिद्धि मिली कि इसने अपने पिता को की हत्या कर अपना शासन जो है वो कर रहा है। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कि पटना बिहार में है, तो नगर की स्थापना की और उसे ही अपनी राजधानी बनाया था। तो कई बार पेपर में, कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं कि पटना की स्थापना किसने की, तो उदयन आंसर आएगा, ठीक है। उदयन धर्म जैन धर्म का अनुयायी था, वो बौद्ध धर्म के थे, ये जैन धर्म का अनुयायी था। हर एक वंश का
अंतिम शासक उदयन का पुत्र नामदशक था। मगर नामदशक जो था उसका एक अमात्य था, अमात्य मतलब रिश्तेदार, उसका नाम था शिशुनाग। उसने उसे गद्दी से हटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाली। और शिशुनाग ने क्या किया, पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को हटाकर वैशाली को राजधानी बना दिया। बाद में उसके उत्तराधिकारी कालाशोक रहे और उन्होंने फिर से पाटलिपुत्र यानी कि पटना को ही अपनी राजधानी बाद में अगेन फिर से रिपीट कर दिया। और शिशुनाग वंश का अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो नंदी वर्मन, वर्धन बोलते हैं कई जगह, वर्मन लिखा है, और महान नंदिन भी कहा जाता है इनको। और कालाशोक, क्योंकि कालाशोक को आपने बताया है ठीक है, के ही शासन काल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी ठीक है। तो कालाशोक के ही काल में जो है, जो इसके उत्तराधिकारी आया था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी फिर से अगेन राजधानी बनाया था ठीक है, शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी ने, तो उन्होंने ही बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की क्या कर दी, संगति को बिठाया था। मैंने बताया संगतें बैठती हैं, तो वैसे ही संगत है ये। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नंद वंश ठीक है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद थे। कौन थे, महापद्म नंद। इन्होंने कलिंग को जीता और विद्रोही कौशल राज्य का भी दमन किया था, जो विद्रोही मतलब उनके अपोजिट में, ऑपोजिशन में थे, उनका दमन किया, उनको दबाया। और नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो महापद्म नंद थे। तो नंद वंश सर्वाधिक धनी और विशाल सेना के लिए जो है वो जाना जाने वाला, एक प्रख्यात सेना के लिए जाने वाला वंश माना गया है। और सिकंदर का ये समकालीन था, मतलब उसको मानता था कि भैया मैं, ये उसका समकालीन था धनानंद ठीक है। तो नंद वंश का विनाश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने उनकी मदद से जो है इस वंश का उन्होंने खत्म किया या उसका अंत हुआ था। नंद वंश में पहले जो साम्राज्य निर्माताओं की भी उनको जो है वो संख्या मिली है, या के नाम से जो है वो विख्यात हैं, जाने जाते हैं कि नंद वंश जो है, या पहले भारत के साम्राज्य जो है वो किसने, निर्माता कौन है, भारतीय भारत में पहले साम्राज्य के निर्माता कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नंद वंश को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक में ही, नंद वंश जो थे वो धनानंद सिकंदर के ही समकालीन थे, इसलिए मौर्य ने जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने चाणक्य गुरु की हेल्प से यानी कि उसकी मदद से धनानंद की हत्या करवा दी और 322 में खुद शासन करने के लिए चला आया ठीक है। तो सबसे पहले हम सिकंदर के बारे में थोड़ी सी हम उसका इतिहास जान लेते हैं कि सिकंदर ने क्या क्या कांड किए थे या क्या क्या किया था। तो जन्म जो है इसका 356 ईसा पूर्व हुआ था। पिता का नाम फिलिप था, जो कि मकदूनिया के ये क्या थे, शासक थे, मकदूनिया यानी कि के शासक हैं। और इनके गुरु का नाम अरस्तु था। सेनापति जो थे वो सेल्यूकस निकेटर थे। तो आप याद रखिएगा कि सिकंदर जो है ये हमारे हिमाचल की बात करें, क्योंकि हम हिमाचल से ही हैं तो हमें हिमाचल की ही बात करूंगा, तो ये सिकंदर जो है वो हिमाचल भी आया था और सेल्यूकस निकेटर के पास जो है ये बहुत कुछ छोड़ के गया था। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आपको इस वीडियो में अपने कुल्लू के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से रह रहे हैं और वहां से कहां से आप वीडियो देख रहे हैं। देखिए, भारत अभियान पर जब सिकंदर चला तो उसने क्या किया, 326 ईसा पूर्व जो है बल्ख को जीता। बल्ख जीतने के बाद जो है वो काबुल से होते हुए हिंदकुश पर्वत को पार करके जो है वो भारत की तरफ आया। और सिकंदर ने जो है वो क्या किया कि पंजाब के शासक पोरस के साथ जो है वो 326 ईस्वी में युद्ध किया
और उस युद्ध का नाम बना झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, हाइपटीज का युद्ध बोलते हैं, या विस्ता का युद्ध भी आप बोल सकते हो। ये युद्ध किया था। आगे के अभियान के लिए जो है, जब ये जा रहे थे तो कुल्लू के पास पहुंचे तो इनके सैनिकों ने बहुत ज्यादा थक गए थे, उस वजह से उन्होंने क्या कहा कि भैया हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। और वो थक गए तो क्या हुआ कि ठीक है भैया आप नहीं करेंगे, तो उनकी सेना को वहां पर छोड़ के, और वो जो सिकंदर थे वो खुद आगे चले गए सेनापति के पास, सब कुछ राजकाज को छोड़कर। तो आपके जो हमारा मलाना गांव है वहां के लोग आज भी अपने आप को जो है वो उन्हीं के वंशज मानते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा जीके है, याद रखिएगा। तो सिकंदर जो है वो भारतीय राज्यों को जो है अपने सेनापति को, जैसे मैंने आपको बताया, सौंप कर लौट गए। और 323 ईस्वी में जो है बेबीलोन जगह है वहां पर, यूनान के पास, वहां पर उनकी जो है वो मृत्यु हो गई या निधन हो गया। इसका उनके जो है सेनापति के, और जहां जहां उन्होंने मतलब जिस जिसके पास अपना जो कामकाज या जो दिया हुआ था, सौंपा हुआ था, प्रदेश सौंपे हुए थे, वहां पे अराजकता फैल गई कि भैया हमारा तो कोई है ही नहीं, हमें संभालेगा कौन, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे हमें, हम दूसरों से, वंशों से या दूसरे लोगों से हम अपने आप को बचा पाएंगे, सम्राटों से बोल सकते हो या आक्रमणकारियों से बोल सकते हैं। तो अराजकता फैल गई। तो उसका लाभ उठाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने गुरु चाणक्य की हेल्प ली और जाकर वो खुद ही पंजाब का सम्राट बन के बैठ गया था। तो इस प्रकार से जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो शासन काल रहा है। आगे हम चलेंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को हम देख लेते हैं। तो मौर्य वंश में सबसे पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य का ही हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो 340 ईसा पूर्व जो है पाटलिपुत्र बिहार में जो है इनका जन्म हुआ है, और पिता का नाम सूर्यगुप्त स्वार सिद्धि मौर्य नाम था, पूरा नाम जो था वो ये था। माता का नाम मुर्रा मौर्य था, पत्नी का नाम दूधारा और हेलना दो थी, क्योंकि ये जो थी ये सेलुकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, गुरु का नाम चाणक्य था। निधन इनका 298 ईसा पूर्व हुआ है, 47-48 साल की उम्र में इन्होंने जो है वो सलेघना विधि से जो है अपनी मतलब दाह दिया था उन्होंने, मतलब अपनी मतलब खुद ही मतलब मृत्यु हुई थी इनकी। श्रवण बेल गोला कर्नाटक में हुई है। पुत्र बिंदुसार थे इनके। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी या वो भी जैनियों के अनुयायी थे। तो जैनियों के जो अनुयायी थे उनके गुरु थे भद्रबाहु, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। श्रवण बेल गोला में जो है 297 ईसा पूर्व जो है उन्होंने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। मैंने आज जैसे आपको बोला खाना पीना छोड़ दो, सलेखना विधि बोलते हैं उसको, उससे उन्होंने जो है शरीर त्यागा था। मैक्सनीज कौन थे? तो मैक्सनीज सेलुकस निकेटर के जो है वो राजदूत थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता ही है सेलुकस कौन था। ठीक है, तो इसी प्रकार से चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहते थे इन्होंने। मैक्सनीज ने जो है वो इंडिका पुस्तक लिखी है, कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया हुआ जाने वाला जो है मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सनीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो बार बार इसको मैं यही कहूंगा कि आप तैयार करें इस क्वेश्चन को, और इसी प्रकार से ये इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार करें चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए क्वेश्चनों को, और मगध के ऊपर बने हुए क्वेश्चंस को आप इसको रीड करें। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा इसी चैनल पे, हम नई वीडियोस के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।